क्या औरत के पैरों के तरफ देखकर अराउज होना नॉर्मल है? क्या उससे अपने रोज के जीवन में बाधाएं आ सकती है? क्या यह अराउज होकर फिर बाद में सेक्स करना ठीक है? क्या यह बीमारी है? ऐसे काफी सारे सवाल हमें पूछे जाते हैं, तो चलो आइए उसके बारे में आज बात करते हैं। उसको बोलते हैं कि ओडोफिलिया या फुट फेटिश। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ काफ़ी लोग ऐसे भी इंक्वायरी करते रहते हैं कि उनको एक्साइटमेंट एक पर्टिकुलर चीज़ से आता है। जैसा कुछ लोगों को पॉर्न वीडियो देखने के बाद में एक्साइटमेंट आता है और बाद में वो अपने पत्नी के साथ में सेक्स करते हैं। कोई लोगों को गे पिक्चर्स या गे मूवी देखने के बाद में एक्साइटमेंट आता है, बाद में वो पत्नी के साथ में करते हैं। कोई और हेटरोसेक्सुअल मतलब कोई लड़की के साथ में सेक्स करते हुए कोई सेक्स की मूवी देखते हैं, बाद में उनको एक्साइटमेंट आता है। ऐसे अलग 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 लोग हमारे पास में आते हैं कि उनको एक्साइटमेंट के लिए कुछ तो भी और चीज़ लगती है। वैसे कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उनको पैरों के तरफ देख के एक्साइटमेंट आती है, मतलब लेडी के पैर के तरफ देख के एक्साइटमेंट आती है। और फिर सेक्स में भी वो ज़्यादा पैर से खेलेंगे, पैर के साथ में किसिंग करेंगे, पैर के साथ में उसमें टिकलिंग करेंगे या हाथ घुमाएंगे, जो भी करेंगे, तो पैर देख के या पैरों में पहने हुए गहने देख के या पैरों को लगाया हुआ नेल पॉलिश देख के, मतलब ऐसा अलग अलग तरीके हैं कि जिससे पैर बहुत आकर्षक दिख रहे हैं तो वो देख के उनको बहुत एक्साइटमेंट आता है। तभी ये नॉर्मल है क्या? तो इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ भी नहीं है, वो हर एक का अपना अपना चॉइस है, हर एक का अपना अपना एक्साइटमेंट है। इसको फुट फेटिश बोलते, मतलब पैर क्या होता है, फेटिश मतलब क्या होता है, फेटिश मतलब कोई ऑब्जेक्ट देख के या कोई बॉडी पार्ट देख के, अदर देन द सेक्स ऑर्गन छोड़ के बाकी कोई भी बॉडी पार्ट या बाकी कोई भी वस्तु देख के यदि एक्साइटमेंट आता है तो उसको बोलते फेटिशिज्म या फेटिश। तो ऐसे इसमें फुट फेटिश या पोडोफिलिया मतलब पैर देख के एक्साइटमेंट आना, तो ये नॉर्मल वैसा हो सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है। मगर वो यदि तकलीफ देने वाला कार्यक्रम है कि क्या होता है कि समझो आप कहीं बाहर है और आपको कोई लेडी क्रॉस होती है या लेडी आपके कलीग है और उनके पैर देख के आपको एक्साइटमेंट आ रही है, तो फिर अपने काम में बाधाएं ला सकते हैं। अदरवाइज ये नॉर्मल है और ये उससे एक्साइटमेंट होती है और वहाँ उसके बाद में यदि आप सेक्स करते हैं तो उसमें कोई गलत है नहीं। तो फुट फेटिश ये टोटली नॉर्मल फिनोमेना है। जब वो तकलीफ देता है अपने रोज के जीवन में, रोज के व्यवहार में या प्रोडक्टिविटी में, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज इससे टाइप ऑफ डिसऑर्डर, वैसा देखा जाए तो बुक्स में इसको लिखा है कि वो डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि वो सेक्सुअल ऑर्गन के अलावा उसको एक्साइटमेंट आता है। फुट पैर देख के एक्साइटमेंट आना ये कोई नॉर्मल चीज़ वैसी नहीं है, मगर वो यदि कुछ प्रॉब्लम नहीं कॉज करता है तो ठीक है, चलने दो उसको, कोई हाथ लगाने उसको कोई ट्रीटमेंट देने का नहीं, मगर वो प्रॉब्लम करता है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ये आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।